दो दिन में कंप्लीट कन्याकुमारी टूर गाइड सीरीज आपके सामने लाया हूं। अब कन्याकुमारी पहुंच के फर्स्ट डे कहां कहां घूमेंगे ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। आपको अपने शहर से कन्याकुमारी के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा। अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आपको इंडिया के किसी भी बड़े बड़े शहर से कन्याकुमारी के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा। आप चाहे तो नागरकोइल स्टेशन में उतर के वहां से बाय रोड भी कन्याकुमारी आ सकते हैं। दूरी लगभग 21 किलोमीटर है। कन्याकुमारी पहुंचने का डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कन्याकुमारी पहुंच के सबसे पहले आप होटल में चेक इन कर लीजिए। अगर आप होटल बुक नहीं किए हैं तो आपके सुविधा के लिए कुछ होटल्स के नाम और नंबर मैं आपके सामने लाया हूं। होटल में चेक इन करके चले आइए त्रिवेणी संगम में। सामने आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने को मिलेगा। त्रिवेणी संगम अरब सागर, हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी जैसे तीन समुन्दर का संगम स्थल है। यहाँ विश्वास करते हैं कि त्रिवेणी संगम में नहाने से आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाएगा। यहाँ अगर आप समुन्दर की ओर सीधे मुंह करके खड़े रहेंगे तो आपके दाईं ओर अरब सागर, सीधे में हिंद महासागर एवं बाईं ओर बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि आपको तीनों समुन्दर के अलग अलग पानी का रंग खुले आंखों से देखने को मिलेगा। त्रिवेणी संगम के पास है भारत भूखंड का भौगोलिक अंतिम बिंदु, जहाँ एक लोहे की पाइप से अंकित किया गया है। इसके बाद चले आइए ब्रेकफास्ट करने। कन्याकुमारी में आपको साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट जैसे इडली डोसा के साथ साथ नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट जैसे पूरी सब्जी भी देखने को मिलेगा। ब्रेकफास्ट करके एक बोतल पानी लेके निकल पड़िए विवेकानंद रॉक मेमोरियल की ओर। जाते वक्त रास्ते में कन्याकुमारी के लोकल स्पॉट घूमने के लिए बस टिकट बुक कर लीजिए। आपको बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी आसपास देखने को मिलेंगे, आप किसी एक में चले आइए। हर एक ट्रैवल एजेंसी का बस टिकट प्राइस एक ही है। इन सब ट्रैवल एजेंसी के बसेस कन्याकुमारी के बस स्टैंड से रवाना होते हैं और किसी किसी ट्रैवल एजेंसी के बस आपको यहीं से मिल जाएगा। कन्याकुमारी का हर एक बस टूर हाफ डे टूर होता है। पहला ट्रिप सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरा ट्रिप दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक। दोनों टूर का प्राइस पर हेड 200 रुपये है, बट सेकेंड टूर में आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं जो आपको फर्स्ट टूर में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए ट्रैवल एजेंसी वाले के साथ बात कर लेते हैं। सब स्पॉट हो जाता है कवर, सनसेट देख पाएंगे ना? अच्छा, बस कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे 245 में अच्छा, बस छोड़ता कहाँ से? यहीं से और वापस ड्रॉप यहीं करेंगे। अच्छा, ये एसी बस रहेगी नॉन एसी बस? नॉन एसी। अगर आपका सनसेट देखने का इच्छा है तो आप सेकंड टूर बुक कीजिएगा। मैं भी सेकंड टूर बुक किया हूँ। मैं अभी बस टिकट बुक करने के लिए इसलिए बोला बिकॉज आज आपको लोकल टूर करना ही है और टिकट शायद आपको बाद में ना मिले। बस टिकट बुक करके चले आइए पंपुहार फिशिंग कॉरपोरेशन में। यहाँ आपको बोट राइड करने के लिए पर हेड 75 रुपये का टिकट काटना पड़ेगा। इसी 75 रुपये में बोट में आना और जाना दोनों इंक्लूडेड रहता है। टिकट काट के लाइन में खड़े हो जाइए। लाइन के साथ आगे बढ़ते बढ़ते आप पहुँच जाएंगे बोट के एकदम सामने। सबको एक एक लाइफ जैकेट दिया जाता है। लाइफ जैकेट पहन लीजिए। Oh,
लगभग 10 मिनट के अंदर आप पहुंच जाएंगे विवेकानंद रॉक में। विवेकानंद रॉक में उतरने के बाद लाइव जैकेट भी खोल के रख दीजिए। चले आइए टिकट काउंटर में। विवेकानंद रॉक घूमने के लिए आपको पर हेड 30 रुपये का एंट्री फीस देना पड़ेगा। जूता पहन के एंट्री प्रोहिबिटेड है, तो आप चाहे तो फ्री शू काउंटर में अपना जूता जमा कर सकते हैं। यही वो विश्व प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक है जहां अरब सागर, हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी तीनों एक साथ मिलते हैं। कितना भयानक लग रहा है इनका यह रौद्र रूप। देखिए, आप यहां तीनों समुंदर का अलग अलग कलर देख पाएंगे। स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सभा में जाने के कुछ दिन पहले सन 1892 में कन्याकुमारी आए थे एवं तैर के इस शिला पे पहुंचे थे। उन्होंने 3 दिन 3 रात तक गहरी तपस्या करके ज्ञान की सिद्धि लाभ की थी। यही शिला अभी स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। यह जगह इतना खूबसूरत है दैट इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ घूमने का मेन दो जगह है, विवेकानंद मंडपम एवं श्रीपद मंडपम। विवेकानंद मंडपम के अंदर आपको स्वामी जी की ब्रॉन्ज से निर्मित एक विशाल मूर्ति देखने को मिलेगा जो परिव्राजक मुद्रा में खड़े हैं। श्रीपद मंडपम के अंदर आपको माँ कन्याकुमारी के पद चिन्ह देखने को मिलेंगे जो सुरक्षित रखा गया है। ऐसा माना जाता है इसी शिला में माँ पार्वती ने माँ कन्याकुमारी के रूप में भगवान शिव के लिए तपस्या किया था। यहाँ आपको एक मेडिटेशन हॉल देखने को मिलेगा एवं स्वामी विवेकानंद के संबंध में जानने के लिए आपको बहुत सारे बुक स्टॉल्स भी देखने को मिलेंगे। इसी रॉक में खड़े होकर आप तमिल के एक विख्यात कवि तिरुवल्लर की एक विशाल मूर्ति भी देख पाएंगे। यह मूर्ति लगभग 133 फीट लंबा है। तो कन्याकुमारी में घूमते घूमते एक अंकल से हमारा मुलाकात हो गया है। हेलो, नमस्ते अंकल। तो आपका नाम प्लीज़ बताइएगा ज़रा। मेरा नाम ब्रजेश है। ओके। और मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा जी, तो कन्याकुमारी घूम के आपको कैसा लग रहा है? कन्याकुमारी घूम के अच्छा लग रहा है, पहले कभी आना नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। अच्छा, फुल एक्सपीरियंस। मतलब जगह समुंदर किनारे होने के वैसे इतना अच्छा हवा लगता है, 24 आवर्स मतलब ठंडा हवा चलता रहता है यहाँ पे। तो इसके बाद आपका क्या प्लान है कहीं घूमने आने का? उसके बाद मैं जाऊँगा शायद धनुषकोडी, रामेश्वरम। ओके, नाइस। मैं बेसिकली आई एम कवरिंग ऑल दिस एरियाज बाय बाइक। मैं ओके दिल्ली से बाइक ही आया हूँ। अच्छा, अरे वाह, वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ओके, टू अंडरस्टैंड पीपल एंड थिंग्स ग्राउंड लेवल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हम सुनते हैं, देखते हैं, देखते हैं, जब तक खुद एक्सपीरियंस ना करें उस चीज़ को तब तक इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। उस टाइम में मुझे ये पता लगा कि कौन हमारे साथ कितने क्लोज हैं, कौन वरीड है जी। आप बाइकिंग अकेले कर रहे हैं, इतना लंबा टूर आप मार रहे हैं दिल्ली से कन्याकुमारी, तो कितना डेज लगा आपको आने में, पूरा टोटल कवर करने में? 8 दिन लगे मेरे अप्रोक्स। 8 दिन? अच्छा, मतलब घूमते घूमते आप आए हैं? अरे वाह, वो मेरे जो क्लासमेट्स वगैरह थे उनसे मैं मिलते हुए आया। मिलता? अच्छा, वाह। तो मैंने देखा कि जितना इंटू मेरे को था उनसे मिलने में जी, कईयों को इतना नहीं था। अच्छा, वो अपने, उनकी गलती नहीं है शायद जी, लाइफस्टाइल में थोड़ा बिजी हो गए थे, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गया है जी, और उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। एक भाई साहब ने तो मेरे को ये बोल दिया कि अभी बारिश हो रही है। हाँ, बारिश रुकी है तो मैं आके मिलता हूँ करके। अच्छा लग रहा है अभी वही, बट लाइफ के फैक्ट्स देखने को मिले मेरे जी जी। समुंदर के बड़े बड़े लहरों को देखते देखते कब समय बीत जाएगा आप समझ ही नहीं पाएंगे।
इसके बाद शूज लेके बोट में रिटर्न आ जाइए। बोट आपको जहां से पिक किया था वहीं ड्रॉप कर देगा। इसके बाद चले आइए लंच करने। इसी मार्केट में आपको बहुत सारे खाने के स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। अपने मन पसंद के एक होटल में लंच कर लीजिए। लंच खत्म होने के बाद दोपहर 3 बजे तक चले आइए बस टूर करने। बस 3:30 बजे के आसपास छोड़ देगा। सबसे पहले बस आपको लेके जाएगा भारतवर्ष का पहला वैक्स म्यूजियम, जो मायापुरी वैक्स म्यूजियम के नाम से परिचित है। यहाँ आपको 100 रुपए का एंट्री फीस देना पड़ेगा। अंदर फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अलाउड है। एंट्री के बाद यहाँ आपको कुछ महान व्यक्तियों के वैक्स मतलब मोम से निर्मित स्टैचू देखने को मिलेंगे, जैसे कैप्टन जैक स्पैरो, अमिताभ बच्चन, तलपति विजय, मदर टेरेसा, मनमोहन सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बैटमैन, शाहरुख खान, कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ली चैपलिन, महात्मा गांधी इत्यादि। इसके बाद आप प्रवेश करेंगे 3D गैलरी में। 3D गैलरी के लिए आपको अलग से टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के पेंटिंग्स को देख के नॉर्मली कुछ समझ नहीं आता, तो यहाँ पे वॉलंटियर्स को आप अपना फोन दे दीजिए, वो अच्छे से आपके पिक्स क्लिक कर देंगे। अब देखिए कैसा सही में नहीं लग रहा है, मैं जंगल में बैठा हूँ। यहाँ और भी कई सारे सीनरी बने हुए हैं। वैक्स म्यूजियम से निकलने के बाद बस आपको लेके जाएगा वेंकटेश्वर मंदिर, जो बालाजी मंदिर या कन्याकुमारी तिरुपति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रतिलिपि हिसाब से निर्मित हुआ है। ऐसे मंदिर आपको और भी कई शहरों में देखने को मिलेगा। जो भी पहाड़ चढ़ के तिरुपति मंदिर नहीं जा सकते, उनके लिए यह सब तिरुपति मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर एकदम समुन्दर के पास होने की वजह से यहाँ से विवेकानंद रॉक बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है। दर्शन करके निकल पड़िए। अब बस आपको शहर से बाहर की ओर लेके जाएगा। लगभग 15-20 मिनट के अंदर आप पहुंच जाएंगे साईं बाबा मंदिर में। इस मंदिर का प्रबंधन श्री शिरडी साई चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। आप चाहे तो मंदिर में खुद आरती भी कर सकते हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है। मंदिर के आसपास का नेचुरल ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत है। अभी बस आपको लेके जाएगा सुचिंद्रम टेंपल में। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तो रेस्ट्रिक्टेड है ही। इनफैक्ट जेंट्स को शर्ट, टी शर्ट, बनियान सब उतार के मंदिर के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। सुचिंद्रम टेम्पल हनुमलन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर त्रिदेव मतलब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु एवं भगवान शिव को समर्पित करके बनाया गया है। मंदिर कुल 30 मंदिरों का सम्मेलन से बना है। मंदिर के प्रमुख देवता है श्री स्थनुमलया। स्थनु अर्थात भगवान शिव, मल
अर्थात भगवान विष्णु एवं आया अर्थात भगवान ब्रह्मा। ऐसा माना जाता है मंदिर का निर्माण 17 शताब्दी में हुआ था। 22 फुट ऊंची हनुमान जी की विशाल मूर्ति हर एक भक्त को आकर्षित करता है। इसके बाद आपको लेके जाएंगे राम मंदिर। बाहर से ही आपको प्रभु के दर्शन मिल जाएंगे, इसलिए बस आगे निकल जाएगा। ठीक टाइम से आप कन्याकुमारी सनसेट पॉइंट में पहुंच जाएंगे। बस आपको पार्किंग में उतार देगा। यहाँ आपको अच्छा खासा भीड़ देखने को मिलेगा। आप पैदल सी बीच में चले जाइए। कन्याकुमारी में आपको जितने अच्छे से सनराइज देखने को मिलेगा, उतने ही अच्छे से सनसेट भी देखने को मिलेगा। एकदम अच्छे से सनसेट देख के लौट आइए बस में। बस अभी आपको गुगनाथा स्वामी टेम्पल में लेके जाएगा। यह मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना शिव मंदिर है। ऐसा कहा जाता है राजा चोला ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर में आपको 16 शिलालिपि देखने को मिलेंगे जो 1100 ईस्वी का है। महादेव के दर्शन के बाद बस आपको आज के लास्ट स्पॉट में लेके जाएंगे भारत माता मंदिर एवं स्वामी विवेकानंद पिक्टोरियल एग्जीबिशन में। पहले चले आइए स्वामी विवेकानंद पिक्टोरियल एग्जीबिशन में। यहाँ आपको स्वामी विवेकानंद का लाइफ और काम के रिलेटेड कुछ फोटोज और स्क्रिप्चर्स देखने को मिलेंगे। मेनली यहाँ आपको स्वामी विवेकानंद के 1888 से 1893 इन 5 सालों के अलग अलग काम और घूमने के अनुभवों का वर्णन देखने को मिलेगा। एग्जीबिशन के सामने ही स्थित है भारत माता मंदिर। आप पैदल भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आपको पर हेड 30 रुपये का एंट्री फीस देना पड़ेगा। मंदिर के बाहर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड है, लेकिन अंदर रेस्ट्रिक्टेड है। यह भारत माता मंदिर 12,000 स्क्वायर फुट एरिया में फैला हुआ है और इसके निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है। भारतवर्ष का रामायण महाकाव्य का दर्शन आपको यहाँ करने को मिलेगा। यहाँ आप 108 लकड़ी के पैनल में वाल्मीकि रामायण के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। मेन गेट में आपको हनुमान जी का 27 फीट ऊंचा एक मूर्ति देखने को मिलेगा। मंदिर के सामने का गार्डन बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ है। रात में जब लाइट जलता है तब मंदिर की शोभा और बढ़ जाती है। इसके बाद बस आपको जहां से पिक किया था वापस वहीं ड्रॉप कर देगा। पहुंचते पहुंचते लगभग रात के 8 बज जाएंगे। डिनर करके होटल लौट आइए। कन्याकुमारी टूर का फर्स्ट डे यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे आपसे कन्याकुमारी के सेकेंड डे के वीडियो में। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।